चार
ಮಹಾತ್ಮ ರಾಣಿ ಪ್ರತಾಪ್ನ ಲಿಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಯ್ ಜಸ್ಮತ್ ಭಾಯ್ ದ್ರವದಾಸ್ ಯೋ ಪ್ರಮಾಣ ಪಡ ಲೇ ಅರ್ ಆಜ ಮೇರಾ ಬೆಟ್ಟಾ ಭತೀಜಾ ಗುಲಾಬ ಸಿಂಗ್ ಜಂಗ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಕಾಮ ಆ ಲಿಯೆ ಓಹೋ ಸರ್ದಾರೋ ಅಲ್ಕಾರಾ ಬೈಠ ಗಯಾ ಅಲ್ಕಾರೇ ತೋ ಸಮಝಾಯಾ ಔರ್ ಕಲ್ಕಾರೇ ಜಾ ಪ್ರಮಾಣಾ ಔರ್ ಲಾಶ್ ಔರ್ ಸಿರ್ ದೇರ ತಂಬೂ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ರಾಜ ಜಸ್ಮತ್ ಕೆ ಲವೇ ಲಿಯೆ ਲਿਖਤਾ ਜੋਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾ ਲਾਈ ਦੇਰ ਬਾਜੀਏ ਭਾਈ ਜਸਮਤ ਬੜਾ ਸਾਵਤ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰਣ ਪੜਿਆ ਅੰਧੇਰ ਲੜਕਾ ਵੇਚੋ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਫੇਰ ਲੜਕਾ ਵੇਚੋ ਹਟੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਗਨੀ ਵੇਚੋ ਦੁਰਗਦਾਸ ਮਤ ਲਾਈਏ ਦੇ ਪਰਵਾਨਾ ਪੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਫਟ ਫਟਾਫਟ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਜ਼ਰ ਫੌਜ ਹੈ ਤਮਾਮ ਕੀ ਤਮਾਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਤਮ ਹੁਆ ਮੈਂ ਠੱਗ ਹੈ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਸਰਦਾਰ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿਸਨੇ ਕਿ ਇਨਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਛੋਰੋ ਨੇ ਚਾਰ ਗੜੀ ਕੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਸ਼ਕਰ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿਸਨੇ ਅਗਲੀ ਦੁਰਗਦਾਸ ਔਰ ਤਿੰਨੋ ਬੇਟੇ ਦੁਰਗਦਾਸ ਕੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਰਜ਼ਰ ਫੌਜ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਬਾ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਦੇ ਕੀ ਫਾੜੀ ਔਰ ਤੈ ਪੜੀਏ ਪਰਵਾਨਾ
श्राव करे कोई लड़ाई की खबर करे के सरदार मुंह तो बात में लिखे किस तरह कहते रहे ध्रुवदास तेरा बेटा खप गया रुमाल के बीच में सिर छोरे गुलाब सिंह का लिपटे आया और घोड़े के हन्ने में लाश पड़ी धड़पड़ा फड़ के ऊपर गिर गया तुशाला काड़ के परवाना राजा जसवंत के हाथ में दे दिया और सरदारों 25 वर्ष के बेटे का सिर रुमाल में लिपटे आया ध्रुवदास के हाथ पर धर दिया कि लो महाराज या सोनाथ अगली ध्रुवदास ने सरदारों सरदे के बाद बेटी के मां तक काटा खंजर सर्दे की फाड़ी करने की खतर जिस वक्त ठाया रुमाल पर तह देखा बेटे का सिर हो सिर न देखकर सरदार ध्रुवदास ने चक्कर आ गया चक्कर आया धरती के ऊपर आकर पड़ा जिस वक्त गिरा एक सरदारों भगत का बोल और भगत की चाल गली कैसे तंबू पर आ जाए ध्रुवदास बनावे और के बेटे की लाश ने देख के जवाब करा भाई कैसे करता है कुर्सी बड़ी बात Thank you.
دارو چھڑ کھا کے تمبو میں جس وقت رکداس گریا سہارا دیا مہاراج راجا جسمت نے گیا بھائی درگداس کو چھوچ کریے وہ
पांडव की बेटी महाराज राजा जसवंत की रानी तम्बू में बैठी अर्थी जिसों का सरदार हो तम्बू में आवे आओ सेज के ऊपर ता रानी खड़ी होगी कौन के रणरूप कौन हाय मैं लुटकी बंदी या लाश किसकी चील की तरह झपट कर सरदारों को सलाह लाश पर दिखाया रानी रणरूप को देखा कौन के भतीजा गुलाब सिंह भतीजे ने देख कर सरदारों चौदवी का चांद शिखर में देख रहा था प्रसन्न का जाकर कुंडा गिड़गिटाया बुल्ली बाण के बाद से बुल्ली विवेक मेरा जवाब सुनिए तो वह के कहे उसके मालिक के प्राण खत्म हो चुके लाश की कौड़ी बरकत तो तीसरी मांझ में के कह छोड़ी गए मजदार एरा
ਜਾਮ ਮਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਓ ਵਜਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੇ ਜਾਨ ਖਪਾਈ